अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सॉल्यूशंस विद वड़ैच और मैं हूं अस्टिन वाद वड़ैच। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम की अहमियत और फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बगैर ना सिर्फ हम लोग अक़वामे आलम से पीछे रह जाएंगे बल्कि इस बात का एहतमाल भी मौजूद है कि शायद हमारा नाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। तालीम एक जमहूरियत पसंद और महज़ब रियासत की असास होती है। ये तालीम ही है जो इंसान को शऊर देती है। बाशऊर इंसान इनकलाबी होता है और इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकलाबी अजहान के अफराद कलीदी किरदार अदा करते हैं माशरती तरक्की और खुशहाली और मुल्की तकदीर बदलने में। अगर माजी का जायजा लें तो यह हकीकत खुलकर सामने आती है कि अंग्रेज का वजीद करदा तलीमी निज़ाम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इस तलीमी निज़ाम ने माशरा में मौजूद तबकाती कशमकश को मजीद गहरा किया है। साबका हुकूमती अदवार में तकरीबन 22 अदद तलीमी पॉलिसियाँ बनाई गई लेकिन उन पर अमल दरामद आटे में नमक के बराबर भी ना किया जा सका। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेशुमार सियासी और माशी मसाइल के बवर में फंसी हुई है लेकिन इसके बावजूद यकसा निसाब तालीम का नारा ना सिर्फ जोरों शोर से लगाया गया बल्कि 2019 में हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया जिसकी रूह से तकरीबन अगस्त 2021 में सिंगल नेशनल करिकुलम का अमली नफाज भी कर दिया गया है। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नौजवान नस्ल की तनजली की सबसे अहम और बुनियादी वजह मौजूदा निज़ाम तालीम है। यकसा निज़ाम तालीम यकीनी तौर पर हमारी नौजवान नस्ल में मौजूद महरूमियों को ख़त्म करेगा। नाज़रीन, एजुकेशन सेक्टर से हमारे साथ एनालिस्ट का पैनल मौजूद है, उनसे हम इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। मैं बिला तखीर अपने मेहमानों का तारफ करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसफ वसीम साहब, मुमताज़ दानश्वर और माहिर तालीम हैं। उसके साथ जनाब तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर गुलाम रसूल शाहिद साहब, आप भी माहिर तालीम हैं। और उसके साथ जनाब मोहम्मद आमिर साहब मौजूद हैं। हम तमाम अहबाब का तह दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने खसूसी वक़्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लेकर आए। सर आसिफ वसीम साहब, मैं सर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या यकसा निसाब तालीम जो है इससे हमारी तालीमी पसमानदगी दूर हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का। ये वक्त की ज़रूरत भी है ज़ाहिर है और इस हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत सारा काम भी किया है। तो यकसा निसाब तालीम या SNC जिसको कहते हैं, ये अगस्त से यहाँ पंजाब में तो नाफज हो चुका है, इसी तरह KPK में भी इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और सिंध और बलूचिस्तान पे अभी इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बहरहाल जो काम यहाँ पर हुआ है इसके हवाले से थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड पहले आपसे शेयर कर दूँ कि करिकुलम तो पहले से मौजूद था। करिकुलम 2006 आखिरी करिकुलम है पाकिस्तान का जो मौजूद था और ये हर मुल्क का एक नेशनल करिकुलम होता है उसी तरह से। अब उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ करने के बाद मौजूदा जो हालात हैं उसके मुताबिक उसको करके तो इस बात की कोशिश की गई है कि ये एक यकसा निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में राइज कर दिया जाए, जिसके ऊपर ज़ाहिर है काफ़ी काम भी किया गया और जो चेंजेस पॉसिबल थी जो कि बहुत ज़्यादा चाहे नहीं भी है लेकिन वो करने के बाद उसका एक फ्रेमवर्क के तौर पर वो दे दिया गया है। इशू जो उसका है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का अभी जो है वो दरपेश है, टीदिंग प्रॉब्लम अभी जो है वो हो रहे हैं और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील भी कर रही है साथ साथ, जिसकी वजह से जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट खुद एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और उसमें जाहिर है उसके दो मेजर आस्पेक्ट्स हैं,
एक तो ये है कि उसका जो पब्लिक सर्विस है वो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर उसका जाहिर है पॉलिटिकल गेम्स और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी उसका एक पर्पस होता है। जो भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपना पॉलिटिकल गेन के लिए भी काम करती है। तीसरे स्टेक होल्डर, दूसरे स्टेक होल्डर इसके अंदर जो है वो पब्लिशर्स और तीसरे स्कूल्स, इसी तरह से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है वो है। सर आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर कलाम रसूल शाह साहब, सर अभी जो 2021 में अगस्त में जो यकसा निसाब तालीम का जो है नफाज हुआ है, उसमें पहली से पांचवी तक जो है एक किताब एक निसाब पढ़ाया जाएगा, आप इसको किस तरह कंपैरिजन करते हैं? अगर तकाबली ज्यादा लिया जाए, पहले भी पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक जो निसाब पहले पढ़ाया जा रहा था, और उसमें और इसमें आप किस तरह डिफरेंस जो है वो देखते हैं? जजाकल्लाह सर, आपने हमें मौका दिया इस पॉइंट के ऊपर, इस बड़े जो आजकल एक बात चल रही है सिंगल नेशन सिंगल कैरिकुलम के ऊपर। चूंकि हम बात कर रहे हैं सिंगल नेशन कैरिकुलम, तो क्या सिंगल नेशन बनाने के लिए कैरिकुलम का सिर्फ एक पहली क्लास से लेकर पांचवीं तक का ही यकसा होना जरूरी है? ये तो एक फेज है ना, और तीन हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया। 2022 में जो है वो छठी से लेकर आठवीं तक जो है वो निसाब होगा, उसके बाद 2023 में नौवीं से लेकर बारहवीं जमात तक जो है वो निसाब होगा। तो उससे अगला जो बात है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए पहली से लेकर या प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमें गिनती में मिलते हैं कि 100 के नजदीक पब्लिशर्स हैं। तो तमाम पब्लिशर्स की अपनी अपनी टीम्स हैं और वो अपने अपने माइंड सेट और अपनी अपनी जो उनके पास कैपेसिटी है, जो लर्न लोग हैं, जो उनकी टीम है, वो अपने अपने उसके मुताबिक सर्कल में रहते हुए। जी सर, वो आप पहली से पांचवी तक जो निसाब अभी राइज किया गया है उसके हक में है कि ये ठीक है? डेफिनेटली, चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टेप है और स्टूडेंट डेवलपमेंट मॉडल है जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सतह के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग माइंड सेट के साथ जो काम कर रहे थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो हमारे SLOs हैं उनको डिफाइन करते हुए एक ही नेशन को डेवलप करने में सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे मुल्क के जो वो हैं आउटकम डिफाइन है, कैरिकुलम आर बेसिकली नेशनल गोल्स। तो ये एक पांचवी तक इसको लेकर आना और फिर फेजेस में आगे बढ़ना, ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। आमिर साहब, आप भी माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर से हैं और अरसा दराज से इस शोबे से वाबस्ता हैं, सर आप क्या समझते हैं कि जो यकसा निसाब तालीम का जो नफाज है उसका जो पहला फेज है हुकूमत, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके जो है वो आउटकम तक जो है पाया तकमील तक पहुँचा सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक बात है ना, ये अगस्त में लॉन्च हुआ। प्राइवेट सेक्टर का जो सेशन था वो तो मार्च से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अगरचा कोरोना था लेकिन स्टार्ट कर दिया था। उसमें बहुत से स्कूल पहले अपनी बुक्स लगा चुके थे जो उन्होंने स्टडी करवानी थी, ठीक है। अब जब अगस्त में लॉन्च किया गया, कुछ स्कूलों ने तो उसको चेंज कर दिया, लेकिन अक्सर स्कूल उसको चेंज नहीं कर सके, वो अब होगा नेक्स्ट टाइम में। जब चेंज होगा फिर उसमें मालूम होगा कितना होगा, 100% लॉन्च नहीं होगा, 100% लॉन्च नहीं हो सकेगा। और अब देखिए नेक्स्ट टाइम सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमारे माशरा में एक तबकाती सिस्टम मौजूद है, यानी माशरी तफावत है माशरा में। तो माशरती तफावत की मौजूदगी में जो है आप देखें, प्राइवेट सेक्टर में एक जो है वो मिडिल क्लास है जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, और यहीं एक जो है हाई स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से तले रखने वाली क्लास भी है जिनके बच्चे जो है सन में जाते हैं, बीकन हाउस में जाते हैं, FC कॉलेज में जाते हैं। जो ये जो प्राइवेट सेक्टर में या माशरा में जो एक बुनियादी तफरीक मौजूद है, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इससे किसी हद तक जो है वो समझते हैं कि उसके असरात जो है उस पर पड़ेंगे और ये तफावत कम होगी? देखिए, इसमें मेरा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये समझता हूँ कि सिंगल नेशनल करिकुलम एक फ़ायदे की चीज़ है, और ख़ास तौर पर जो स्ट्रीट स्कूल या दीगर स्कूल जो कि बहुत ही बिलो दी बेल्ट चल रहे थे, उनका मयार उसके यानी जो नेशनल करिकुलम के मुताबिक होना चाहिए था वो नहीं था, उसमें तो ये काफ़ी हद तक मुआविन होगा, लेकिन इसके लिए भी जाहिर अभी टाइम लगेगा। अभी तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, जैसे अभी मेरे फादर दोस्त ने बताया कि
इम्प्लीमेंट अभी प्रॉपर नहीं हो पाया या ये अभी नहीं हो पा रहा, तो कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने तो इसको लेकर प्रोएक्टिवली काम किया और उनके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यानी सर आपके लिहाज से कितने हैं, यानी 30% स्कूल हैं ऐसे जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक? 100% जाहिर है उन्होंने भी नहीं किया, उसमें कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आई जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज रिवाइज भी की, और इसी वजह से गवर्नमेंट के अंदर जो अब नया जो एक चीज चल रही है वो मिनिमम स्टैंडर्ड की बात चल रही है। अब मिनिमम स्टैंडर्ड ये है कि जो SLOs इसके अंदर मौजूद हैं उसको तो हम लेके चलें, लेकिन साथ अगर एडिशनल कुछ करना है तो वो उनको इजाजत है। तो इस लिहाज से अगर आप इसकी जो अल्टीमेट जो आप कह रहे हैं ना कि वो तबकाती तकसीम, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और अभी शायद ये मुमकिन भी नहीं है, लेकिन जाहिर है जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की बात है उस हद तक तो ये मुआवन होगा, लेकिन अभी इसको कोई साल दो साल लगेंगे इसके रिजल्ट्स आते हुए। इसके अंदर जैसे गवर्नमेंट ने जब से ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उससे पहले जितनी भी इसके ऊपर वर्किंग हुई, हम देखते थे कि रोजाना ही नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, रोजाना ही पॉलिसी चेंज हो रही है, उसकी जो अप्रूवल के प्रोसीजर्स हैं उनके अंदर मसाइल थे, फिर किताबें जब अप्रूव होके आई हैं उसको जब वो उन्होंने उसको प्रिंट करना था और भेजना था, तो गवर्नमेंट ने तो अपने स्कूलों के अंदर कर लिया 100% कर लिया, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लगाते हैं उनको प्राइवेट पब्लिशर्स जो है वो किताबें ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट की किताबें इतनी हैं ही नहीं तादाद में कि जो दूसरे स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनकी किताबों को लगवा सके। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसकी वजह से इसको अभी इंप्लीमेंट होने में, प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आप देखेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा उस हवाले से तो हेल्पफुल नहीं होगा कि जो तबकाती कश्मकश और इस तरह से जो तकसीम है उसमें बहुत ज्यादा कमी हो सके, क्योंकि अभी भी जो बहुत सारे स्कूल हैं उनको अगर आप देखें तो उन्होंने इसको जो बड़े यानी आप कह दें कि अपने आप को एलीट क्लास स्कूल कहते हैं उन्होंने इसको फुली उस तरह से फॉलो नहीं किया। इवन जो पब्लिशर्स हैं जो बड़े जो यानी फॉरेन पब्लिशर्स हैं उन्होंने भी अपनी चीजें उसके अंदर एडिशनल दी हैं कुछ, तो गवर्नमेंट जो मजबूर हुई है अपने इस फैसले को रिव्यू करने में भी, और उन्होंने कुछ ये मार्जिन दिया है कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड पर जाए। जी डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में अमीर और गरीब के दरमियान कानून का फर्क है, तो अमीर और गरीब के बच्चे में जो है वो एजुकेशन स्टैंडर्ड के लिहाज से भी फ़र्क मौजूद है, आप क्या कहते हैं जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो इस फर्क को किस हद तक जो है वो कम कर देगा? ये बिल्कुल बेहतरीन बात है, चूंकि सिंगल नेशन जब की हम जब बात करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि सारे लोग एक ही स्टैंडर्ड को मीट करें और एक ही तरह की जो राइट्स हैं उनको इंजॉय करें। तो अभी चूंकि इसका आगाज हुआ है और जैसे अभी सर ने भी बताया इस तरफ से भी पॉइंट आया कि अभी इसको फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया, लोग अभी इसके अंदर रिविजन्स ला रहे हैं, अपने आप को रीथिंक करने की तरफ जा रहे हैं, इवन जो हमारे अपने गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स वो भी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में जब ये प्राइमरी से ऊपर जाएगा और लोग होलिस्टिकली एक ही पेज पर डेवलप होंगे तो यकीनन ये जो मुआशरती तफावत है, फ़र्क है, सोच में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है इस तरह से तो हम सोचते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी। और ये जो चेंज है जैसे अभी सर बताते हैं ये कुछ सडन चेंज नहीं है कि हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट करें और वो फौरन कोई रिजल्ट हमारे पास लेकर फेजेस में ये इंशाल्लाह होगा और हम इसे अचीव करेंगे। अमर साहब आप क्या कहते हैं कि नफाज तो हो गया नेशनल सिंगल करिकुलम का, इसके जो है वो कब तक जो है इसके आउटकम्स हम हासिल कर लेंगे और खसूसी तौर पर जो है डिस्कशन करें कि जो माशरती तफावत का एक एलिमेंट है उसमें कितना ये हेल्पफुल होगा? सर देखें इस लिहाज से ना हमारा निज़ाम तालीम अलग है, दरसी कुतुब अलग चीज़ है, ठीक है। अगर निज़ाम तालीम अलग है और दसवीं कुतुब अलग है तो ये जो जिक्सान निसाब तालीम या निज़ाम तालीम जो राइज किया गया है ये फिर उन दोनों को इकट्ठा नहीं करेगा? देखें बुक्स आप वही ले लें, बुक एक है लेकिन स्टैंडर्ड स्कूल के अलग है, एक बहुत एलीट क्लास के स्कूल है, एक गवर्नमेंट के स्कूल है, एक नॉर्मल लेवल के स्कूल है, तो बुक बेशक वही होगी, वो आप ये कह सकते हैं नॉलेज के हिसाब से तो आप सेम हो जाएंगे लेकिन जो माशरती तफावत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है,
वो तो आपकी तफावत तो वो फाइनेंशली है ना, उसके अलावा जो एक नॉर्मल स्कूल है उसके पास टीचर का स्टैंडर्ड और है, जो हाई क्लास स्कूल है टीचर का स्टैंडर्ड और है। टीचर की स्टैंडर्ड चेंज है, आपकी सोसाइटी चेंज है, लोकेलिटी चेंज है, तो तफावत ये सिर्फ निसाब से दूर नहीं होती। तफावत के लिए तो आपको एक माहौल देना पड़ेगा ना हर स्कूल को। जी सर, आसर सिंह साहब, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़ेर साया बनने वाली कमेटियाँ और उसमें मुबैना तौर पर ये मार्केट सियासी मार्केट में खबर भी गर्म थी कि उनको प्राइवेट पब्लिशर्स ने जो है वो हाईजैक कर लिया है, यानी कि अपने कुछ बातें जो है वो हुकूमत की मानी जा रही हैं, कुछ जो है वो निसाब में या जो निसाब पहले वो पढ़ा रहे थे उसी को वो इंक्लूड करके तो उनसे रिकमेंडेशन लेकर एनओसी लेकर तो वो कुतुब जो है वो शाया कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज़्यादा तादाद में खुद जो है वो पब्लिशिंग जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सके। सर आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए इसमें प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस करता है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनके पास स्टॉक पड़े हैं किताबों को, मैं पब्लिशर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उनके पास अगर हाई स्टॉक्स पड़े हुए हैं पहले से और उन्होंने वो अपने गोदाम पूरे जो है उसके अंदर किताबें रखी हुई हैं, तो किसी सूरत में वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी किताबें ज़ाया हो जाएं, वो उसकी का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को भी जब इम्प्लीमेंट करना है तो इस बात को मरूज़ खातिर रखना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी उतनी बढ़ा ले कि वो उनकी ज़रूरत ना हो। लेकिन जब आप उनको साथ लेके चलना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत को आप मानते हैं, तो फिर आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लाने चाहिए जो ग्रेजुअली आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी कर लें और उसमें जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई बैकफुट पे भी ना हो, उनको नुकसान भी ना हो। उस हवाले से जाहिर है प्रेशर उनका रहा है और अभी भी वो क्योंकि हैपहैज़र्डली इम्प्लीमेंट हुआ, मिड ऑफ द सेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उनके पास बहाने मौजूद हैं करने के लिए। अब ये इसके अलावा जो मैं अगर एक बात यहाँ पर रखना चाहूँ तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तरफ हम इसको SNC कहते हैं, ये नेशनल करिकुलम है, वन नेशन वन करिकुलम की बात है और हमने एक फ्रेमवर्क दे दिया और फिर हमने 18वीं तरमीम के तहत ये कह दिया कि भाई ये जो है चैप्टर जो है ये प्रोविंसेस का है। अब प्रोविंसेस के अंदर जो अपने जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर अपना अपना वो स्टेक रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना हो और वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके अपने तरीके से उन किताबों को जो कि उस क्रिकलम के मुताबिक बनी है उसके मुताबिक उनको चेक करें। अपनी कमेटियां उन्होंने बनाई हैं, सिर्फ ये जो ERC या जो कमेटियां वो नहीं है, इसके 2-3 स्टेप्स हैं। एक IRC है जिसको कहते हैं इंटरनल रिव्यू कमेटी, जो बोर्ड की अपनी कमेटी है, एक ERC है जो एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी है। तो अगर कहीं किसी तरह से प्राइवेट पब्लिशर ने उसको मैनेज कर भी लिया है तो IRC में जाके वो चीजें ट्रेस आउट हो जाएंगे, तो वो काउंटर चेक तो इस तरह से क्रिएटेड है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि पंजाब की जो बोर्ड की IRC के मेंबर्स हैं वो एक किताब को अगर चेक करते हैं, वो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हैं, किताब को उसके मुताबिक कर दिया जाता है, पब्लिशर उसको करके ले आते हैं और वही किताब अगर वो KP बोर्ड के अंदर लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे लोग और बैठे हुए हैं, तो उसको उनके differences, उनकी mindset, उनकी understanding, curriculum की वो different है, तो वो उसके अंदर changes कर देते हैं। अब वो एक ही curriculum के तहत design होने वाली किताब पंजाब में जाए, जो government की authority है उसको accept कर रही है, लेकिन KPK की जो authority है उसको accept नहीं कर रही, उसके अंदर changes कर रही है। तो एक practical problem ये भी हो रहा है publishers को कि जिसके तहत वो एक किताब जो है वो 2 different provinces के लिए 2 different किताबें उनको छापनी पड़ेगी, उसकी पूरी मैनेजमेंट सप्लाई चेन उसको उस हिसाब से मैनेज करेगा, जो कि कॉस्टली है और मुश्किल है, उसको यानी मैनेज करना इतना आसान नहीं है। इसका सलूशन ये था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे अरेंजमेंट करती, कोई यानी कोई अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होते या उसको कोई अगर ऑर्डिनेंस में या उसमें सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करनी थी तो वो करने के बाद एटलीस्ट करिकुलम और जो उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी है वो एक सेंट्रल नेशनल अथॉरिटी होती जिसके तहत वो किताबें रिव्यू होती हैं, रिव्यू होने के बाद अप्रूव होती हैं, अप्रूव होने के बाद छपती हैं और फिर 1-2 साल वो उसको चलाया जाता है। तो अगर आप ये करेंगे कि ये एक नेशनल करिकुलम है,
पंजाब में इसकी किताब उसी करिकुलम के तहत बनने वाली और है, उसी के तहत केपी में और है, सिंध में और है, सिंध ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक, उसको वो डिनाई कर रहे हैं। बलूचिस्तान का भी एक नोटिफिकेशन पिछले दिनों में निकला है कि जी हम उसको करने जा रहे हैं, लेकिन जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको चेक नहीं कर सकते, आप उसकी चेक एंड बैलेंस जो है वो जरूरी है, के लिए जो 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 आपको फैसिलिटीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वो चीजें करने में आपको दिक्कत होगी। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हासिल होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत यकसा नुक्ता नज़र और कौमी सोच को मद्दनज़र रख कर यकसा निसाब तलीम जो है उसको राइज कर रही है, तो क्या हमें हैसियत कौम हमारी जो सोच है उसमें तफावत मौजूद है, या हम एक नुक्ता नज़र पर पहले इकट्ठे नहीं हैं जिस वजह से जो है इस यकसा निसाब तलीम को राइज किया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर हम करिकुलम के बेसिक्स पर जाएं, तो लर्निंग की बहुत बेसिक डेफिनेशन है चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग की जब हम डेफिनेशन लेते हैं लर्निंग की, तो हम कहते हैं इफ देयर इज चेंज इन बिहेवियर फिर हमारा बच्चा लर्नड है। तो जब हमारा बच्चा लर्नर होगा, लर्नड होगा, तो उसके बिहेवियर में एक पॉजिटिव हेल्दी चेंज आएगा, और वो बिहेवियरल चेंज जो है वो इंस्टिगेट होता है, वो जनरेट होता है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से, हमारी मेंटल स्टेट से। अगर हमारी मेंटल स्टेट पॉजिटिव होगा तो हमारा जो बिहेवियरल चेंज है वो भी पॉजिटिव होगा, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह से जब हम सब एक पेज पर आकर सिंगल नेशन करिकुलम के अम्ब्रेला के तले जब हमारी लर्निंग एक होगी, जब हमारे आउटकम्स एक बन जाएंगे और लर्निंग के आउटकम जिसे चेंज इन बिहेवियर कहते हैं वो आना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये तो तफावत की डिग्री है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और हम एक ही पेज के ऊपर एक ही तरह से हमारे जो लोग हैं एक सिंगल नेशन की तरह सोचना शुरू कर देंगे। और कैटेगोरिकली यहाँ जो हमारा चूंकि इस्लाम के मुताबिक को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और है, और हमारे जो जो मगरबी अदारे हैं उनका को एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और है। पिछले दिनों हमारा एक सेक्ट है उसने को एजुकेशन के ऊपर बहरहाल अपनी तरफ से एक फतवा भी जारी किया है, उसको भी चूंकि वो हमारा आज का इतना ज़्यादा मौजू नहीं है उस वाले से, लेकिन बहरहाल अगर हम इन सारे तफावत को जो जेंडर की बेसिस पर हैं या सेक्ट की बेसिस पर हैं अगर हम उनको एक नेशन के अंडर लाना चाहते हैं, तो वो जो लर्निंग की डेफिनेशन अगर हम सिर्फ उसी को एड्रेस कर लें कि हमारे बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा है तो हमारे जो आउटकम्स है वो अचीव होना शुरू हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी चूंकि ये प्राइमरी तक है फिर ये आगे बढ़ेगा, तो जहाँ हमारे बच्चे एडल्ट होना शुरू होते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं, जहाँ डिसीजन मेकिंग एडल्ट होती है, वहाँ ये डेफिनेटली हमारे बच्चों को विद द पैसेज ऑफ टाइम सपोर्ट करेगा खत्म करने। जी ठीक है सर। आमर साहब, मैं सर आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि किस हद तक जो है एक कौमी सोच को जो है अपनाया जा सकता है सिंगल नेशनल करिकुलम को अख्तियार करते हुए? देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम अगर आ जाता है तो इसमें तमाम सूबों में अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाए तो फिर जाहिर बात है कि सोच एक हो सकती है, लेकिन उसके लिए है कि चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है। ठीक है, अगर चेक एंड बैलेंस अच्छा होगा तो फिर उस पर सब अमल कर रहे होंगे, क्योंकि अब हमारे 18 तरमीम की वजह से निज़ाम प्रोविंशियल अलग अलग ये वो प्रोविंशियल को सूबों को चला गया, तो वो अब जब हमें कौमी तौर पर इकट्ठे होना है तो पहले तो हमें उन सूबों को इकट्ठा करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट को वफाक को पहले उन सूबों को कायल करना पड़ेगा कि वो करिकुलम एक करें, तमाम सूबों में एक करिकुलम होगा फिर एक सोच पैदा होगा। अगर ये सिंध अलहदा रहेगा वो अपनी अलहदा करना चाहेगा और बलोचिस्तान अलहदा रहेंगे तो एक सोच नहीं हो सकती, फिर हमारे जो है ना सिस्टम में अलग अलग है, मदरसा सिस्टम अलग है, ठीक
ठीक है, और वो ये क्वेश्चन मैं अभी करने लगा हूं वैसे सर से, ये है कि उनको भी फिर एक लाइन में लाना पड़ेगा। जी जी। अब मदरसे वालों को अब कायल करना पड़ेगा कि वो बाकी जो जो करिकुलम आया उसके मुताबिक स्टडी लेके चले, और जो दूसरे ऑक्सफोर्ड को ओबे कर रहे हैं, कैम्ब्रिज को कर रहे हैं, उन्हें भी लाना पड़ेगा कि वो भी नाजरा को या मदरसे की जो तालीम का हिस्सा बना है उनको लेके चले। अब बड़ी रुकावट यह है कि जो हमारे अलीट स्कूल है उनमें इस तरफ कम तवज्जो दी जाती है, ठीक है, तो वो उनके लिए तो अब मुकम्मल ट्रेनिंग चाहिए, उनके मुकम्मल ऐसे टीचर करने पड़ेंगे, उनके निज़ाम ऐसा बनाने पड़ेंगे इस तरफ भी आए, और जो मदरसे वाले हैं उन्हें भी अब ऐसे टीचर रखने पड़ेंगे जो कि जदीद तालीम को अपने मदरसों में दें। अब मदरसे वालों को बनाना बड़ा मुश्किल है, तो जब ये एक हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाएगी कि उनके जो बड़े हैं उनको बैठा के उनकी एक सोच बना लेंगे, फिर समझे हम इंतजार करेंगे। जी आसू साहब, माशाल्लाह आप मुमताज़ दानिश्वर हैं और तलीमी अमूर पर आप एक अमीक नुक्ता नज़र रखते हैं। सर ज़रा मुझे ये बताइएगा कि क्या जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये जो निसाब है, इस हवाले से जो है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कोई इनको रेनोवेट किया गया है, या जिस तरह के पहले एक सिस्टम जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग का प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में चल रहा था उसी को जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है? जी, टीचर्स ट्रेनिंग जाहिर है तलीमी मैदान के अंदर बहुत ही वाइटल फैक्टर है, जिसके बुनियाद पर आप जाहिर है अपने पूरे निज़ाम को चलाते हैं, और आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें दो सेगमेंट बनते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स का और एक गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स का। तो जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स की ट्रेनिंग का ताल्लुक है, वो तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर उसका पूरा निज़ाम वज़ा किया है, और मेरी इत्तला के मुताबिक वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट टीचर्स मजबूरन ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी वो उन्हें उस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। होता ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर के मसाइल ज़ाहिर हो रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं या स्टाफ है, इनकी जब भी ट्रेनिंग करते करवाते हैं तो नॉमिनेशंस ली जाती हैं कि कौन लोग इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो आमतौर पर जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टीचर्स होते हैं या जो तफरी के मूड में होते हैं, उनकी नॉमिनेशन भेज दी जाती है। जो आपके करीब हैं इंचार्ज के, वो करीब हैं, तो उनकी नॉमिनेशन भेज दी जाती है कि जाओ चार दिन दस दिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप स्कूल से हट के आप जाके वहाँ TADA भी इंजॉय करें, वहाँ पर आप जो है वो ट्रेनिंग भी लें और वो उसको करें। तो जो स्पिरिट है ट्रेनिंग की वो शायद फिर उस तरह से नहीं रहती, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने तो अपने तई उसको अरेंज किया है और उसके ऊपर काम भी काफ़ी हो रहा है। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स ट्रेनिंग का मामला है, वहाँ पर जो स्कूल अच्छे स्कूल हैं वो तो चेन स्कूल्स ख़ास तौर पर वो तो अपने टीचर्स की ट्रेनिंग का इहतमाम करते हैं, और बाकायदा तौर पर वो अगर गवर्नमेंट पहले नहीं भी कर रही थी तब भी वो कर रहे हैं, और अभी भी गवर्नमेंट जो है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग का उस तरह से कोई उनके पास मैकेनिज्म या कोई ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो जो अच्छे स्कूल हैं वो खुद अपने तौर पर ही करते हैं, उसमें टीचर्स को कन्विंस करना ज़ाहिर है मुश्किल होता है, उनकी वहाँ से निकलना जाना आना, ख़ास तौर पर जो फीमेल टीचर्स होती हैं उसी इलाके के कम्युनिटी के स्कूल होते हैं, उनको अगर आप किसी सेंट्रल प्लेस पे भेजना करना चाहें तो ये बहरहाल चैलेंजेस हैं। और अच्छे स्कूल इसको मोटिवेशन देकर, कुछ इंसेंटिव देकर इसको अरेंज करते हैं, लेकिन वो अपने तौर पर करते हैं। SNC के हवाले से अभी मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर पाए हैं। अभी तो उनके सामने ये चैलेंजेस हैं कि बच्चों की किताबें कैसे पूरी करनी, ठीक, और जब वो किताबें पूरी, आपने कहा किताबें पूरी करनी है, तो किताबों में मसाल तौर पर पहले वो ऑक्सफोर्ड सिलेबस बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर उसके मुकाबले में हुकूमत जो है वो एक यकसा निसाब लेकर आई है, तो क्या उसका निसाब जो है वो इस लेवल पर होगा कि जो ऑक्सफोर्ड का ये लेवल का वो लेवल का बच्चा है वो उसी तर्ज का जो है एक निसाब जो है वो उसको लॉन्च कर सके? नहीं, गवर्नमेंट का ज़ाहिर किताबों का और उसका ऑक्सफोर्ड की किताबों का तो ज़ाहिर फ़र्क है, बहुत आसमान का फ़र्क अभी भी मौजूद है। और ये जैसे बात की ना कि इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हुए जो अभी बातें चल रही हैं ना, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, वो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स की। ऑक्सफोर्ड की किताबों में या किसी भी पब्लिशर की, प्राइवेट पब्लिशर की किसी भी जो आप मार्केट में है, अगर तो उसमें वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं अपने करिकुलम में वो अगर पूरे हो रहे हैं फिर तो वो किताबें एक्सेप्टेबल हैं, और उससे ज्यादा हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको पढ़ा सकते हैं, उसकी अप्रूवल लेके आप अपनी जो किताबें हैं वो स्कूल में बच्चों को लगवा सकते हैं।
तो यानी अगर आप कंपेयर करेंगे यानी मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की किताबें जो है वो बहुत सब स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ इस तरह से नहीं है, वो भी माशाल्लाह अगर उनको देखा जाए, उनके जो एसएलओस को उन्होंने पूरा किया है और उनके पेपर को, उनकी प्राइस को, उनकी वो सारी चीज़ें वो उसको पूरा करती हैं। बात कोई आ जाती है कि एक किताब अगर सेम किताब भी अगर आप पढ़ाना चाहें तो एक टीचर, दो डिफरेंट टीचर्स को दोनों तरह से पढ़ाएंगे, एक के रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, एक के अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए ये जो टीचर्स ट्रेनिंग का एलिमेंट है ना, ये इस हवाले से ज़रूरी है कि वो किताब चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे ऑक्सफोर्ड की हो, उसको कैसे पढ़ाना है ताकि वो जो डिजायर्ड आउटकम्स हैं वो अचीव किए जा सके। यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, और उसमें जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसका इस्तेमाल, और उसमें जो मेमोरी टेस्ट के अलावा यानी क्रैमिंग के अलावा, क्रैमिंग ज़ाहिर बुनियादी बात है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये एलिमेंट भी लेके आए कि उसको एसएलओ के मुताबिक वो उसको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और फिर उसके बाद उसको अप्लाई भी करें अपनी लाइफ के अंदर, तो उस सारी चीज को लाने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सारे एंगल के साथ हमें काम करना होगा, बड़े लंबे अरसे तक करना होगा, तब जाके हम इसके कोई जो रिजल्ट है वो कितने जो है वो उससे रिलेट करती हैं या उसमें मजीद जरूरत है कि हम उसको टीचिंग जो क्राइटेरिया है, टीचर्स की ट्रेनिंग का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाएं। भाई साहब, मैं सर की इजाज़त से सर के पॉइंट में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जो टीचर्स ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं गवर्नमेंट ने जिस तरह से वो डेवलप किए हैं, कुछ पब्लिशर्स हैं जिनका यहाँ नाम लेना कुछ ज़रूरी नहीं है, बाहर वो मॉड्यूल्स और उसी तरह के जो डेवलपमेंट है वो उनके पास भी मौजूद है बाहर। उनको अगर NOC इशू किया गया है, अपने बुक्स को जो है ना कुछ टाइटल्स उनके अप्रूव किए गए हैं, उनको NOC दिया गया है, तो ये काम वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले वो अपने रिसोर्स पर्सन को देते थे टीचर्स को ट्रेनिंग करने के लिए, तो ऐसे ही अब वो अपना रिसोर्स पर्सन दे सकते हैं कैटेगोरिकली SNC के जो कॉन्सेप्ट है उसको टीचर्स के माइंड में इंकल्केट करने के लिए। तो ये एक इजाफी बात थी मेरी तरफ से सर की जायज के साथ, जो मैं चाह रहा हूँ कि ये काम वो भी कर सकते हैं बाहर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने, जैसे कि हम वाबस्ता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने अब इस मरतबा वो वाला तरीका नहीं अपनाया कि एक स्कूल में अगर 100 टीचर है तो उसमें से सिलेक्टेड टीचर्स को भेज दिया जाए, यानी ऐसा नहीं था। पहले होता था कि एक लीड ट्रेनर एक मास्टर ट्रेनर पैदा करेगा और फिर मास्टर ट्रेनर आगे जाकर तमाम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। अब ऐसा हुआ था कि लीड ट्रेनर ने ही सारे लोगों को एक जगह एड्रेस किया। अगर हम अपने स्कूल्स की बात करें जिनसे मैं वाबस्ता हूँ, तो हमारे स्कूल के अगर 70 टीचर थे कैंपस में, तो 70 के 70 लोगों ने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया और वहाँ 2-3 दिन रहे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो अब हम बढ़ते हैं आपके सवाल की तरफ, जो चीज़ें थी मैं समझता हूँ उसमें एक बहुत अहम पहलू ये था कि पहले इसकी प्री असेसमेंट होती तमाम टीचर्स की जो ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे। ये किसने करनी थी प्री असेसमेंट? डेफिनेटली जो इसके गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन उन्होंने करनी थी, या जो SNC के ट्रेनिंग प्रोग्राम से अगर कोई प्राइवेट गुजार रहे थे, किसी को जैसे लॉ किया जाता है, अगर हम इसके अंदर एक एग्जांपल एक मोड दें तो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं, उसके भी पहले मैनुअल्स बनते हैं कि आपने इस मैनुअल्स की रोशनी में लोगों को ट्रेन करना है इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। तो वो मैनुअल एस्टेब्लिश होते, डेवलप होते। उसके अलावा प्री असेसमेंट होती, कितने लोगों की परसेप्शन क्या है सिंगल नेशन कैरिकुलम को लेकर। फिर पोस्ट असेसमेंट होती, पहले लोगों के जहन में क्या था, फिर 2-3-4 दिन जो उन्होंने ट्रेनिंग में गुजारे उससे उन्होंने क्या लर्न किया, और फिर ऑन ग्राउंड जाकर देखा जाता है कि लोग अपने टीचिंग अप्रोचेस, टीचिंग मेथड्स और टीचिंग टेक्निक्स वो कितनी हम आहंग हैं SNC को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारा प्रोसीजर जो है उसको
बाईपास कर दिया गया है, बिल्कुल उसको मेंटेन नहीं रखा गया। उसमें से डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके गवर्नमेंट काम कर भी रही है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कंसिस्टेंटली किया जाना चाहिए जब तक कि हम अपने इस गोल्स को अचीव नहीं कर लेते जो हमने एसएनसी के तहत डिफाइन किया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये मोहम्मद आमिर साहब, मुझे जरा बताइए कि टीचर्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है सिंगल नेशनल करिकुलम के लिहाज से, उसमें कितनी अचीवमेंट हो चुकी है और कहाँ पर वो खड़ा है? सर ने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत की इसमें, काफ़ी हद तक तो वजाहत कर दी है। बस यही है कि जो गवर्नमेंट है वो तो अपने टीचर्स को ट्रेन कर रही है, उसके लिए प्रोग्राम उनके चल भी रहे हैं, जो नाजा में एडिशन की गई उसके बारे में प्रोग्राम चल रहे हैं, बाकायदा सिक्स से ऊपर तर्जमे के लिए कहना कुरान का तर्जमा भी आ रहा है सिलेबस में, तो उसके लिए भी उनकी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जो चेन स्कूल हैं उनका भी निज़ाम चल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ना हमारा, जो चेन स्कूल भी नहीं है और गवर्नमेंट के साथ भी नहीं है, उनमें अभी तक ट्रेनिंग का कोई नहीं है निज़ाम सिस्टम। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए ट्रेनिंग का भी कोई निज़ाम बनाए, या उनको जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनको एक जो है ना लाइन में लाए, उनके टीचर्स को जो है ना पाबंद करें वो ट्रेनिंग है उनके लिए ट्रेनिंग की जाए, फिर जाके तमाम जो है ना निज़ाम एक होगा। क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने टीचर ट्रेन करेगी, उसमें उनके ट्रेनिंग भी है, उन्होंने तो लाजमी आना है, गवर्नमेंट अप्लाई है, जो गवर्नमेंट ने आर्डर करने हैं टीचर ट्रेनिंग करनी करनी है। जो चेन स्कूल है वो तो पहले ही करते हैं, उनके लिए तो मसला नहीं है, उनकी तो ट्रेनिंग चलती रहती है। अब जो रह जाते हैं वो स्कूल जो कि ना किसी चेन से वाबस्ता है ना गवर्नमेंट से वाबस्ता है, तो वो उनके लिए ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो तो अभी ऐसे स्कूल माशरे में मौजूद है जिनका जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, या जो टीचर जो ट्रेनिंग में सेशन से बिल्कुल जो है वो महरूम है, रजिस्टर्ड है लेकिन किसी चेन से वाबस्ता नहीं है। ठीक है, जैसे हजारों की तादाद में, तो जाहिर है फिर उस हवाले से जो है काफी ये तो एक बड़ा गैप होगा, फुकदान होगा ट्रेनिंग का कि टीचर जो है वो ट्रेंड ही नहीं है। जी ठीक, वो अब नेशनल करिकुलम के हिसाब से उनको अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, और एक दो जो टीचिंग का बीएड वाला प्रोग्राम जो होते हैं टीचर ट्रेन होते हैं, हमारे हजार स्कूल ऐसे जहाँ पे तो बीएड है ही नहीं टीचर। ठीक है, जस्ट स्टडी करके तो वो टीचिंग तरफ आ गए हैं और वो टीचिंग कर रहे हैं, उन्होंने तो एक्सपीरियंस वही स्कूल से हासिल किया है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं आसिफ वसीम साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। सर कुछ लिबरल जो हैं दानिश्वर वो ये नुक्ता नज़र उठाए हुए हैं कि हुकूमत ने एसएनसी यानी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के नफाज के साथ ही जो मदरसे हैं उनके तालब इल्मों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना चाहा है, उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, तो आप इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र रखते हैं? देखें ये एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दूसरी तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू भी मार्केट में मौजूद है कि गवर्नमेंट अभी उसको करके यानी एक फ्रेमवर्क में ला के और एक निज़ाम को वज़ा करने के बाद अल्टीमेटली जो दूसरा तबका है वो जो मदरसों वाला जो लोग हैं उनके ख्याल के मुताबिक अल्टीमेटली वो जब उनके कंट्रोल में आ जाएंगी सारी चीज़ें, गवर्नमेंट उसको यानी ऑन कर लेगी और उसमें एक मैकेनिज्म बन जाएगा, उसमें फिर वो ग्रेजुअली ये चीज़ें निकालेंगे। उनके ख्याल में जो इस्लामिक टच है वो निकालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लिबरल्स के ज़ेरे असर ज़्यादा है और उसमें जो कुछ तब्दीलियाँ एक्ट के अंदर जो मुख्तलिफ कवानीन बने हैं अभी रिसेंटली पीछे, और जो मामलात हमारे यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मजहबी लोग जो हैं वो अपनी बात को रखते हैं सामने तो शिद्दत के साथ रखते हैं, या जो यानी ये तालीम जो इसके निज़ाम के अंदर जो कंटेंट है उसको रखते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये तो इसमें से निकाल रहे हैं आपको व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर बात का इस तरह के क्लिप भी आ रहे होते हैं, वो गलत हैं सही है एक अलग बहस है, लेकिन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो मैं नहीं ये समझता कि वो झुकाव इस तरह से बहुत ज़्यादा उनका उनकी तरफ है या उनकी तरफ है, एक सिस्टम के मैं हक में हूँ कि एक सिस्टम बहरहाल होना चाहिए गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट चूँकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो उसको एतमाद में लेना चाहिए, लिबरल्स को भी और दूसरों को भी, दोनों इस मुल्क के ज़ाहिर शहरी हैं और उनको भी यानी एतमाद में लेते हुए एक बैलेंस अप्रोच के साथ काम करना होगा। और लिबरल्स जो हैं वो ज़ाहिर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनके साथ दलील के साथ बात की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। सिंगल नेशनल करिकुलम एक होशाइन अमर है और अवामी हलकों में इसको सराहा जा रहा है।
सबसे अहम और काबिल कदर बात यह है कि हुकूमत मामला फहमी और इंतज़ामी बद नज़मी का जो फुकदान है उस पर काबू पाते हुए इस जो एक अजीम ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव जो उसने लिया है उसको पाया तकमील तक पहुँचाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अस्तिनवाद बढ़ाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।